नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में दोस्तों फिर आपका एक बार फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी पिछले वर्ष इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, जिसको हम IDF के नाम से जानते हैं, उन्होंने कुछ डायबिटीज के बारे में आंकड़े जारी किए थे कि विश्व में इसकी क्या पोजीशन है और भारत में क्या पोजीशन है। और उनके हिसाब से जो 537 मिलियन एडल्ट वेस्ट जो लोग हैं पूरे दुनिया में, वो दे आर लिविंग विद डायबिटीज। और इनकी जो संख्या है, अगर हम 2019 से कंपेयर करेंगे, तो ये संख्या में 16% की वृद्धि हुई है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में कहा कि 74 मिलियन से भी ज़्यादा लोग या 74 मिलियन से ज़्यादा एडल्ट जो है वो डायबिटीज के साथ रह रहे हैं, जो संख्या है 12 लोगों में एक लोग, जो कि पूरे हम कहेंगे कि इंसुलिन के सहारे उनकी जिंदगी गुजर रही है। और ये जो भारत में डायबिटीज से सफर करने वाले लोगों की संख्या है, वो विश्व में चाइना के बाद दूसरा नंबर आता है, क्योंकि चाइना में जो टोटल जो लोग हैं एडल्ट जो हमारे इससे रह रहे हैं डायबिटीज से, वो उनकी संख्या 141 मिलियन है। और उससे भी ज़्यादा जो एक हमारे परेशान होने वाली बात है कि 53% इंडियंस या एडल्ट इंडियंस जिनको डायबिटीज है बट उनको नहीं पता, वो उनके लिए अनडायग्नोस्ड है। तो कहने का अर्थ यह है कि डायबिटीज एक बहुत एक विकट समस्या है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। और हम जानते हैं कि डायबिटीज जो है बहुत ही जो हम कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में वो देता है, जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, किडनी फेल्योर्स है, ब्लाइंडनेस है, या जो लोअर लिम्स का कुछ लोगों को देखा होगा आपने एम्पुटेशन होता है, वो भी डायबिटीज के कारण होता है। और लोग जो पूछते भी हैं कि आप ज्योतिष के थ्रू ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो कैसे बता देती है कि बीमारी के बारे में, या हम उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिटेल में तो हम लोग बात करेंगे। बट मैं अभी आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जितने भी जो ज्योतिष में भाव हैं, 12 भाव हैं, 12 राशियाँ हैं, वो किसी ना किसी बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी तरह से जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो भी किसी ना किसी बीमारी के कारक होते हैं। तो हम किसी भी जन्मपत्री में किसी भी हाउस का, किसी भी साइन का या किसी भी प्लैनेट का एफ्लिक्शन देखकर बहुत आसानी से पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को किस तरह की बीमारी होने का अंदेशा है लाइफ में जो है, और ये बीमारी किस स्टेज पर होगी। और आज हम जो बहुत गंभीर समस्या है डायबिटीज है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम देखना पड़ेगा कि ज्योतिष में इसका कारण क्या है। पहले तो जहां मेडिकल की बात हम करें, कहते हैं कि जब लिवर जो है शुगर मेटाबोलाइज करना बंद कर देता है या पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तब मेडिकल जो कारण है डायबिटीज का होता है। और ये दोनों हैं, जो पैनक्रियास है, लिवर है, हमारे जो अपर पोर्शन ऑफ स्टोमक पेट में होते हैं, जो जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है वो उसको हम पांचवा भाव कहते हैं कि पांचवा भाव हो या पांचवीं राशि हो, तब ये दोनों एफ्लिक्टेड होंगे, तब डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी है। और जहाँ तक ग्रहों का सवाल है, हम जानते हैं कि जो बृहस्पति है वो कुछ लिवर के कुछ पार्ट्स का कारक है, और वीनस जो है वो बैलेंस पार्ट ऑफ, हम कहेंगे जुपिटर जो है वो लिवर का कारक है और कुछ जो पैनक्रियास का पार्ट है उसका कारक है, और वीनस जो है वो पूरे बाकी जो पैनक्रियास का पार्ट है उसका कारक है। और वीनस जो है हमारे अंदर जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं 3 चीजें हैं, एक जुपिटर हुआ या बृहस्पति ग्रह हुआ, एक वीनस हुआ, शुक्र ग्रह हुआ, और एक पांचवा भाव। और बहुत सारे जो हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन बनते हैं जो डायबिटीज होने की जिससे संभावना होती है, कि जुपिटर मान लीजिए कि नीच राशि में है और किसी भी त्रिक स्थान में उसका प्लेसमेंट है, त्रिक स्थान हम कहते हैं 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, या कभी कभी जब जुपिटर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है मैलिफिक प्लैनेट के साथ, जो अशुभ ग्रह हैं उनके साथ अगर जुपिटर का एसोसिएशन है, एफ्लिक्शन है, जैसे
शनि और राहु का खास तौर से अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड होता है तभी भी जो है ये इस बीमारी की होने की संभावना होती है। या मान लीजिए कि जुपिटर बहुत कम्बस्ट है, अस्त है, इसके अलावा अगर वीनस अगर छठे भाव में स्थित होता है और जुपिटर उसको बारहवें भाव से देखता है तभी भी ये डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। और जैसे मैंने कहा कि पांचवा भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर पांचवा भाव भी एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड मतलब कि ये जो मैलिफिक प्लैनेट हैं, अशुभ ग्रह हैं, शनि है, सन है, राहु है, मंगल है, इनसे एफ्लिक्टेड होता है, तभी भी हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी है। या कभी कभी अगर जो हर भाव का एक स्वामी होता है, अगर छठे भाव का स्वामी भी अगर एफ्लिक्टेड होता है या त्रिक हाउस पे उसका प्लेसमेंट होता है तभी भी इस तरह की बीमारी होने की जो है पॉसिबिलिटी होती है। या कहते हैं कभी अगर जुपिटर वक्री हो, ज्योतिष में कहते हैं कि जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड या वक्री होता है तो उसको कुछ स्ट्रेंथ मिलती है, इट बिकम मोर पावरफुल, और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसका अगर प्लेसमेंट और स्कोप में ठीक नहीं है, मैलिफिक पोजीशन में है या त्रिक हाउस में उसका प्लेसमेंट है, एफ्लिक्टेड है मतलब नेगेटिव प्लैनेट है, अशुभ ग्रह है, तभी भी जो है डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसा हम लोग बात कर रहे हैं बार बार ज्योतिष में हर चीज के उपाय बताए गए हैं और बहुत आसानी से उन उपायों को हम करके उनको हम अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर किसी भी जो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है कि एक बीमारी होने के बाद कोई इसका इलाज नहीं होता, कोई ज्योतिष रेमेडी भी शायद काम नहीं करेगी, कोई मेडिकल भी कुछ काम नहीं करता। अगर हम पता है ज्योतिष का फायदा यही है कि हमें शुरू से ही पता लग जाता है बच्चे के जन्म के समय कि प्लैनेट की क्या पोजीशन है, किस तरह की बीमारी किस बॉडी के पार्ट में और किस समय लाइफ के हो सकती है। इससे बड़ा जो दिव्य ज्ञान दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो आपको बर्थ के टाइम ये सब चीजें बता दे। और अगर कोई ऐसी समस्या है जैसे मैंने कहा कि अगर हम उस टाइम किसी भी अगर विद्वान ज्योतिषी से कंसल्ट करें और पूछें कि मतलब क्या, जैसे हम कहते हैं जैसे हम लोग मैनेजमेंट में शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, तो ऐसे ही उसी टाइप की एनालिसिस अगर हम किसी के द्वारा करा सकें लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, तो आप देखेंगे कि हमारी जो लाइफ है बहुत बेहतर हो जाएगी, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी पाएंगे। और जो भी अगर उपाय सुझाए जाते हैं उनको हमें वी हैव टू मेक देम ए वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि बीमारी होगी तब हम उसका उपाय करना शुरू करेंगे, अगर हम शुरू से ही अगर हम उन उपायों को अपने जीवन में उतारेंगे तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला सकता हूं कि हम उस गंभीर समस्या से अपने आप को काफी हद तक बचा सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि डायबिटीज की बात हो रही है तो जिन लोगों में अगर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है भी, तो अगर हम जैसे मैंने कहा कि तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें, दो प्लैनेट हैं, एक गुरु है बृहस्पति है, एक शुक्र है, एक पांचवा भाव है, तो अगर हम किसी भी ज्योतिषी के द्वारा ये एनालाइज करा के अपने हॉरोस्कोप की एनालिसिस करके अगर हम मालूम कर सकें कि उसका कारण क्या है और उसी के हिसाब से हम उपाय करने पड़ेंगे कि अगर जुपिटर कारण है तो गुरु ग्रह का उपाय होगा, अगर शुक्र कारण है तो शुक्र ग्रह का उपाय होगा, या जो ग्रह इनको एफ्लिक्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उनकी भी हम शांति करके इस बीमारी को काफी हद तक काबू पा सकते हैं। क्योंकि ये जो बीमारी है जैसा हम जानते हैं आजकल बहुत एक विकट समस्या है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, और इस बीमारी के साथ रहना भी हम जानते हैं कितना मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों मैं यही एडवाइस करूंगा कि ये जो ज्योतिषी है, ज्योतिष है द वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, और ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, और जिसको हम अपने जीवन में इसकी जो रेमेडीज है उसको उतार कर अपने जीवन को बहुत स्वस्थ बना सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। और दोस्तों फिर हम अगले सप्ताह फिर आपके सामने आएंगे किसी भी नए विषय के साथ। जब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।